बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कहते हैं आप। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटपटे से नूडल्स बनाने लगी हूँ चिकन और वेजिटेबल के साथ, जिसके लिए मैंने नूडल्स लिए हैं। ये मेरे पास 200 ग्राम नूडल्स हैं। इनको पहले हम पानी में जो है उबाल लेंगे ऑयल और नमक के साथ। उबले हुए जो है मटर लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया थोड़ा सा कच्चा रख के, ताकि ये जो है बाकी जो नूडल्स के साथ पकेंगे कच्चा पन इनका उसमें खत्म हो जाए। एक बड़ी जो है शिमला मिर्च लिया है, इसे बड़ी काट लिया है, या एक प्याली सा आप ले लें शिमला मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से। बंद गोभी भी आप देख सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, ज़्यादा ये कम ले सकते हैं आप। और जो है गाजर को भी बड़ी काट दिया है, ये भी मैंने एक प्याली भर के ली है। एक प्याली भर के मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने इतना लंबे साइज में काट दिया है, क्योंकि मैं नूडल्स बनाने लगी हूँ इसलिए मैंने इनको लंबाई में काटा है। आयल इसमें हद से ज़रूरत इस्तेमाल करें, नमक इसमें चौथाई सा है। ये नूडल्स उबालने में इस्तेमाल करूँगी और ये नूडल्स पकाने में। आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, आधा चम्मच से थोड़ा भर के मैंने थोड़ा ज़्यादा जो है ये मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दरबज मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा पाउडर है, नमक जो है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। लहसुन का पेस्ट जो है एक चम्मच लेंगे इसमें। ये इमली और सौंफ का सॉस है, ये इसमें इस्तेमाल करूँगी। चीनी सॉस है, ये इसमें इस्तेमाल करूँगी, ये तकरीबन दो चम्मच है। सोया सॉस है, ये भी दो चम्मच है, ये भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। और सिरका अगर आप चाहें ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम तो फिर कम ही। मैं इसमें दो चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इन्हें बनाऊँगी। पानी देखें हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ऑयल तकरीबन दो चम्मच, नमक ये शामिल कर दूँगी, और 200 ग्राम जो है ये नूडल्स हैं। ये मैं इस तरह भी थोड़ा सा गलेंगे तो फिर नीचे कर दूँगी, इसमें डालूँगी। चूल्हा जो है मैंने हल्का सा रखा हुआ है, इनको तोड़ना नहीं। अगर आप चाहें तो तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इसी तरह जो है लंबाई में ही पकाऊँगी। ये जब थोड़ा सा यहाँ से गल जाएगा, अगर आप घर पे बना रहे हैं खुले बर्तन में बना रहे हैं तो खुले में आप कर लें, ये तो हम दूसरे में ट्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने खुला बर्तन ले लिया, उसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से जो है पक जाए। सॉस पैन में जो है पूरी नीचे सही से आ रही, अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है अच्छे से पक जाएगी। चूल्हा इधर वाला हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इन्हें पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊपर से ढक दूंगी मैं, से फिर से ऊपर से ढक दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे और बाद में इसे जो है छन्नी में डाल के छान लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेंगे इसे। इसको आप थोड़ा सा खा कर भी दे सकते हैं, अगर इसमें से थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो गया है तो आप जो है इसे उतार लें, अगर नहीं तो ये तो बिल्कुल गल चुकी हैं। अगर थोड़ा अगर चेक करें अगर कच्चा है तो इसे और पकाएं, जो है इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इन्हें जो है छान लूँगी। नूडल्स हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, उनको मैंने छान लिया है। अब बाकी का जो मसाला जाता है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसमें ऑयल शामिल करेंगे, उस पर ज़रूरत थोड़ा सा। और साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट, लहसुन के पेस्ट को पहले थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा जो है भुन चुका है हमारा लहसुन, अब इसमें जो है चिकन के पीसेस ये डाल दूंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है ये भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो है बाकी की शुगर डाल देंगे। सबसे पहले इसमें मटर शामिल करेंगे, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इन सबको पहले मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं जो सभी मिक्स हो चुके हैं वेजिटेबल्स जो हैं। अभी इनको थोड़ी देर के लिए जो है पका लेंगे। अब मैं इसमें गाजर जो है बारीक कटी हुई ये शामिल कर दूंगी और इसे भी अच्छे से अंदर मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम जो है 2 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो है इसका कच्चापन जो है ये खत्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं गाजर जो है ये भी थोड़ी सी झुलसना शुरू हो चुकी है। अब जो है इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। नूडल्स जो हैं ये इसमें शामिल करेंगे, मसाला जार ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। ये चिली और सौंफ का सॉस है ये इसमें शामिल करेंगे चटपटे से बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली सॉस, तिरका और सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे जो है 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अब इसे जो है 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे जो है डिश आउट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है नूडल्स वेजिटेबल चिकन के साथ तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार है ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।